आगे हमारी जमीनें सेफ हो जाएंगी और पूरा हम इसका काम शुरू करेंगे और आगे और लोग इस काम को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है कि इसमें कोई बंदरों का नुकसान नहीं है, कोई पशु भी नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से। नमस्कार, वहो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। धारा 370 हटने के बाद जूनियर टेरिटरी जम्मू कश्मीर की फिजा ही बदल गई। सरकारें लगातार कृषि विभाग और टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय उधमपुर जिले के टिकरी में खड़े हैं और ये मेरे पीछे आप लेमन ग्रास देख रहे हैं। लेमन ग्रास की खेती यहाँ पे लोग करते हैं और आपको एक चीज और से रूबरू करवा दें कि पिछले कई सालों से जमीन बंजर पड़ी थी क्योंकि बंदरों का आतंक लगातार इन दिनों उधमपुर जिले के अलग अलग जगहों में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग अपनी खेती बाड़ी पूरी तरह से करना भूल गए थे। लेकिन अब सरकार की पहल और सरकार के जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं, लेमन ग्रास लगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ एक किसान है यहाँ पे जो टिकरी के रहने वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके मन में कैसे आया ये लेमन ग्रास लगाया जाए। सर अपना नाम बता देना और ये बताना कहाँ रहते हैं आप और किस तरह से ये आपके मन में ये विचार आया। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं पंच भी हूँ। हमारी पंचायत टिकरी बी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और ब्लॉक टिकरी। तो सर ऐसा है कि हमारे एरिया में बंदरों का काफ़ी आतंक था, तो हमारी ज़मीनें खाली पड़ी थी और बंजर हो गई थी। कोई 10% ज़मीन हम लगाते थे घर के आसपास, बाकी ज़मीन हमारी खाली पड़ी थी। तो जब ये दफ़ा 370 हटने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना किसान के लिए इतना दिन रात मेहनत की और डिपार्टमेंट को अवेयर किया, डिपार्टमेंट ने हमें अवेयर किया, तो जो जहाँ बंदरों का आतंक था तो उधर इन्होंने लेमन ग्रास के लिए लोगों को प्रमोट किया, अवेयरनेस कैंप किए। तो शुरुआत हमने की, मैंने तो 2 साल पहले की थी, लेकिन अब जो इस साल कम से कम हमारे एरिया में 150 कनाल से भी ज़्यादा एरिया जो है लेमन ग्रास लगा है। तो मैंने इसका इस साल भी निकाला, तेल निकाला है। तो इसका हम अगर 10% हमें मार्जिन मिलता था, इस वक्त हम 4 गुना इसके लेमन ग्रास के माध्यम से हम कमाई कर रहे हैं। आप लेमन ग्रास की खेती करते हैं और लगातार पंच भी हैं यहाँ के इस एरिया के और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि जो लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ी हैं बंदरों के आतंक से, लोग जो हैं खेतीबाड़ी नहीं करते थे, उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि लेमन ग्रास की खेती करें। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये इस लेमन ग्रास का जो ऑयल निकलता है उसकी मार्केट में कितनी कीमत है और खेती से कितना ये अच्छा है ये खेती? सर ऐसा है कि इसका जो IMM के माध्यम से, जो सेंटर का एक डिपार्टमेंट है जम्मू में, तो उनके माध्यम से, ये मेन माध्यम तो सेंटर का वही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। तो सर इसका जो मार्केट रेट जो IMM खरीद रहे 1500 रुपये से 1700 रुपये लीटर, और प्राइवेट मार्केटिंग अगर हम जैसे किसान का क्लस्टर ग्रुप बनाकर हम काम करें तो ये 2500-3000 पर लीटर जाएगा। तो इसका जो एवरेज जो है पर ईयर, जब पर एनम की जो है इसकी, जैसे हम उसका 1000 रुपया पर कनाल कमाते तो ये 10-12 हज़ार मिनिमम लेकर चल रहे हैं हम। ऐसे तो 20-25 हज़ार है, लेकिन हम मिनिमम शुरुआत में मिनिमम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइव ईयर, जो 5 ईयर प्लान है, ये एक दफ़ा लगाने से 5 साल चलेगा और किसान को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जिस ज़मीन में हम खड़े हैं उस ज़मीन के बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये ज़मीन जो है जहां हम खड़े हैं कितने सालों से ये बंजर पड़ी थी और अब इस ज़मीन से आप कितना कमाते हैं। सर ये तो कम से कम 10 साल खाली रही, क्योंकि जब बंदरों का आतंक इधर फैल गया चारों तरफ, तो घर के आसपास ही थोड़ी ज़मीन हम लगाते थे क्योंकि कुत्ते, जैसे कुत्ता जहाँ राखी कर सकता था, तो हर जगह हो नहीं सकती। उसके बाद हमने ये जब ये जेल लगाया तो उसके बाद हमने, जैसे हम 50 किलो एवरेज निकालते थे, 50-60 किलो
फसल की एवरेज निकलती थी, तो मार्केट रेट उसका उतना ही है, गेहूं का 12 रुपये लगा लो 13 रुपये लगा लो। तो जब हम ये एक कनाल का एक कटिंग 5 क्विंटल कम से कम निकलता है, 5 क्विंटल का तेल निकलता है 2.5 से 3 लीटर, तो 2.5 लीटर लगा कर चलते हैं हम, 1500 रुपये ही मिनिमम लेकर जाओ, तो 1500 से 4500 रुपया, तो एक साल का एक कटिंग का 3 चार महीने का हमें मिल रहा है 4500 रुपया। तो गेहूं का हमें कम से कम 1200-1500 भी नहीं मिलता था, 6 महीने की फसल तो हम 1500 एवरेज निकालते थे 1200-1500। तो सर इसका हम सोचते हमें 4 गुना जो मुनाफा हमें मिला, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है इसमें थोड़ी अच्छी हुई। तो इसका सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हमें यह है कि इसको ना बंदरों का नुकसान है, ना इसको पशु खाते हैं, पशु बीच में चरते हैं इसके, वो बेकार का जो घास खा लेंगे इसको मत खाएंगे वो। उधमपुर जिले के अगर टिकरी ब्लॉक की हम बात करें, तो क्या अनुमान है कि टिकरी ब्लॉक में कितने कनाल में ये लोगों ने ये लेमन ग्रास लगाया है, और आगे इसको कितनी लार्ज स्केल में जो है बनाने जा? तो सर ऐसा है कि टिकरी का टारगेट था हमारा 2 पंचायतों का 200 कनाल, तो 150-160 कनाल लग चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट सीजन आएगा इसका, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मतलब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें जब हम कभी पीएम करते बोले हमें सीड कहाँ मिलेगा, हमें भी लगाना है, हमें भी लगाना है, मगर हर आदमी इसके लिए इंटरेस्टेड हो चुका है। जब मेरी मिसाल कायम हुई, मैंने अभी तेल निकाला 1 महीना पहले, कुछ लोग मेरे साथ भी गए थे, कुछ किसान, उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, मार्केट वैल्यू का भी पता लगा, तो वो लोग तकरीबन लोग इंटरेस्टेड हो चुके हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी डीसी मैडम जो उधमपुर में इसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा कोशिश उन्होंने की, हमने 2-3 कैंप किए और मार्केट के लिए उन्होंने IIIM से तुरंत जो हमारे टिकरी में कैंप हुआ था, तो उन्होंने प्लांट के लिए भी उनको अप्रोच कर दिया है कि 6 महीने के या साल के अंदर अंदर हमारा प्लांट टिकरी लग जाएगा। ऐसे हमारा पैंथल में जैसे अगर 2000 रुपये खर्चा आ रहा था, तो इधर हमारा 200-300 रुपये में हमारा जो काम टिकरी में चल जाएगा, तो ये हमारे सराउंडिंग लोगों को वो भी पैसा बचेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में भी बंदरों का आतंक है, अगर आपकी लाखों हजारों कनाल जमीन खाली पड़ी है, तो आपके लिए ये लेमन ग्रास सोने पे सुहागा होगी, क्योंकि इनका कहना है कि इस खेती से बेहद 4 गुना कमाते हैं और लाखों रुपए भी कमाते हैं। लोगों से लगातार ये अवेयर कर रहे हैं कि लेमन ग्रास की खेती से आपको लाखों रुपए का मुनाफा हो सकता है। बताएं ये कौन सा गांव है और किस तरह आप करते हैं? मेरा नाम ओंकार सिंह है, ये लहनू गांव है, और हम यहां पे ये जो अपना मक्की और मतलब गेहूं लगाते थे, और इसमें कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत था कि बंदर नुकसान बहुत करते थे, और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने फसल लगाना छोड़ दिया था क्योंकि ज़मीन खाली रह रही थी। जब से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि मतलब लेमन ग्रास का जो ये एक प्रोजेक्ट लाया है बीच में, उसके बाद हम लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिला, इसका बेनिफिट मिला, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है कि इसमें कोई बंदरों का नुकसान नहीं है, कोई पशु भी नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से, हम इसको बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं, और हर आदमी से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम बनाई गई है या इसको मतलब शुरू करवाने के लिए ये काम लेमन ग्रास का दिखाया है, तो इसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना इसमें फ़ायदा है, बेनिफिट है इसमें, ताकि हमारी ज़मीनें सेफ हो जाएंगी, और पूरा हम इसका काम शुरू करेंगे और आगे और लोग इस काम को बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी दूर होगी। इसका हम धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड्याल, बाहू SS न्यूज़, उधमपुर टिकरी।